अशोभी चश्म से मुतासर अफराद की तादाद में इजाफा हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब भर में 13,732 नए मुतासर अफराद सामने आए। अशोभी चश्म की वबा की वजह से मुतासर अफराद की तादाद बढ़ रही है। बच्चे, बूढ़े और हर उम्र का शख्स अशोभ चश्म से मुतासर हो रहा है। पंजाब में अशोभी चश्म से टोटल तादाद 86,133 तक जा पहुँची। शहर लाहौर में भी एक दिन में 887 नए अफराद सामने आए, जिससे लाहौर में मजमू तौर पर अशोभ चश्म से मुतासर अफराद की तादाद 7,568 तक जा पहुंची है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पेशावर दौरे में खवातीन सिंपोजियम और सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि खवातीन ने पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। खवातीन ने पाकिस्तान की पूरी तारीख में मुल्क की तरक्की में मिसबत और अहम किरदार अदा किया है। कैदियों की सजाओं में कमी का ऐलान कर दिया गया। ताहम इतलाक, कत्ल, जासूसी और रियासत मुखालफ सरगर्मियों में मुलविस कैदियों पर नहीं होगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैदियों की सजाओं में 90 रोज़ कमी की मंजूरी दे दी। और अफगान हुकूमत ने मुल्की ताजरों पर नई पाबंदी लगा दी। अफगान हुकूमत ने कारोबार को मकामी करेंसी पर मुंतकिल करने के लिए 10 दिन की मोहलत दे दी है और कहा है कि मुल्क भर में गैर मुल्की करेंसी में तजारत ना की जाए। अफगान हुकूमत ने ऐलान किया कि कारोबार को मकामी करेंसी पर मुंतकिल करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी जा रही है।